जो भारतीय जनता पार्टी का आखिरी हथियार वो समझना चाहते हैं कि हम वोट पैसे से ले लेंगे, डरा के धमका के गुंडागिर्दी प्रशासन उसके लेकर मानसिकता कार्यकर्ताओं की बने कि किस तरीके से इनसे निपटना है। यहाँ 50,000 वोट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी विजयपुर में जीतेगी, मुकेश मल्होत्रा और हाथ का पंजा, हमें कितनी इतनी सी भी शंका नहीं है। पर प्रशासन की हठधर्मिता से लड़ने के लिए हमने एक रणनीतिक फैसला लिया है कि हम विधानसभा के चारों ओर हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। जहां भी अराजकता हुई और प्रशासन फेल हुआ तो फिर हम अपने हाथ में लेंगे। डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे हैं कि कांग्रेस जंगल में डकैत छोड़ा करती थी उनके समय में, हमने चीते छोड़े और लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा है कि डकैत से संबंध किसका था वो मोहन यादव जी को इतिहास पता नहीं, थोड़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछिए। और जहां तक चीतों का सवाल है, चीते छोड़े पर आपने लोगों के घर उजाड़े। चीते छोड़ना 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके आपने कोई बहुत भला काम नहीं किया। अगर करते तो जो बाघ स्टेट है, जो हमारा टाइगर स्टेट है, इस टाइगर स्टेट को के 135 बाघ 3 साल में मर गए, तो ये बचाए नहीं आपने। 5 बाघ लाए 5,000 करोड़ के और 125 शेर जो ये काले चीते लाए और 125 शेर मर गए। अब आपकी सरकार का असली चेहरा आप ही पहचानो। एक तरफ मोहन यादव बोल रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस की काले कारनामे और बीजेपी की अच्छी भावना का है, जनता बताएगी किसके काले कारनामे और किसके सफेद।